बात। किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में तेजी आई और किस कृषि जिन्स के भाव में मंदी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जाएगा बाजार का भाव। आज हम खासतौर से बात करेंगे प्याज, बाजरा, गेहूँ, ज्वार, मक्का और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर के जरिए जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले की शुरुआत हमेशा की तरह हम मंडी खबर में सुर्खियों के साथ करते हैं, तो नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आज पिछला गेहूं का भाव कोटा मंडी में आई 45 रुपए की गिरावट। पानीपत मंडी में 100 रुपए लुढ़ककर 1000 रुपए हुए प्याज के सौदे। पुणे मंडी में 300 रुपए चढ़ा प्याज का भाव। ज्वार की पैदावार 40 लाख टन के पार। मालपुरा मंडी में 4300 रुपए पर बिका ज्वार। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम मंडी खबर में गेहूं के बारे में बात करेंगे। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में तेजी देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी भी रही। बात आवक की करें तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। अब गेहूं पर आइए एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो सोमवार को दहेगाम, राजकोट और इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 1 जून को गेहूं का भाव रहा 2500 रुपए, 3 जून को इसके भाव में 22 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2522 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 जून को लोकवान क्वालिटी के गेहूं का भाव था 2520 रुपए, 3 जून को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2530 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बीते शनिवार को लोकल गेहूं का भाव रहा 2305 रुपए, सोमवार को इसके सौदों में 520 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 2825 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। 1 जून को यहां गेहूं का भाव था 2520 रुपए, 3 जून को इसके भाव में 45 रुपए की गिरावट आई और भाव 2475 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को यहां की अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2380 रुपए, लालगंज मंडी में भाव रहा 2375 रुपए, मिर्जापुर मंडी में धारा गेहूं 2325 रुपए पर बिका, जबकि सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 2415 रुपए पर हुए। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की MSP साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर साल 2023 से 24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसीलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ दो ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023 से 24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। चलिए अब रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार यानी कि शिव श्रीवास्तव जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा आंकड़े जो बाजार के उतार चढ़ाव के साथ हमने गेहूं के देखे, इसके अनुसार आने वाले दिनों में गेहूं का बाजार किस तरफ रुख करेगा? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहाँ तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है इस समय, उनके लिए क्या सलाह है, कैसी रणनीति बनाएं, मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है, उनके लिए हमारे जो कॉमोडिटी एक्सपर्ट है, उनकी सलाह यही है कि अगर आप थोड़ा सा इंतजार और करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप अपने उत्पादन का अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्याज के बारे में। 3 जून को इलाहाबाद और पुणे मंडी में प्याज के सौदे तेजी के साथ हुए हैं। वहीं गोलूवाला और पानीपत मंडी में नरमी रही, जबकि खन्ना मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटा दिया है। प्याज के कारोबार पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाला राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते शनिवार को प्याज का भाव रहा 1200 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि हरियाणा की पानीपत मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 जून को प्याज का भाव था 1100 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 1000 रुपए पर हुए। हालांकि पंजाब की खन्ना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 3 जून को प्याज 1200 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में बीते शनिवार को प्याज का भाव रहा 1500 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1300 रुपए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में प्याज के भाव की बात करें तो यहां 1 जून को प्याज का भाव था 1500 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 1525 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022 से 23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटा दिया है, जिसके मुताबिक प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 प्रति टन तय किया गया है। सरकार की ओर से उठाए इस फैसले से किसानों को प्याज का अच्छा मुनाफा मिल सकता है। भारत में सबसे ज्यादा प्याज की पैदावार महाराष्ट्र में होती है। यहाँ की लासलगाँव मंडी में प्याज की आवक खासी देखने को मिलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में प्याज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है।
चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े प्याज के बता रहे हैं, आने वाले दिनों में प्याज के बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? प्याज की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण प्याज की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास इस समय प्याज का स्टॉक है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। एक तरफ जहां आने वाले समय में प्याज की घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट पर से बैन हटा लेने के कारण आने वाले समय में निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में प्याज की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार, प्याज के किसान भाई अगर अच्छी भंडारण क्षमता रखते हैं तो इंतजार कीजिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते प्याज के दामों में बढ़ोतरी होगी और किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बैगन का बाजार भाव कैसा रहा। बात करें गुजरात की दीसा मंडी की, तो बैगन के सौदे यहां पर 875 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में बैगन का भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बैगन का भाव 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में बैगन के भाव 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। और आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया आप छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मक्का और बाजरे की। तब तक हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। चुनावी माहौल क्या चल रहा है मनोज, किसकी सरकार बन रही है? ये इस बार मुझे लग रहा है मोदी जी हैट्रिक बना रहे हैं, पर मुझे तो लगता है गठबंधन की बन सकती है। भाई हो सकता है, देखो अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा हमें कि भाई कौन जीतेगा। सही कह रहे हो तुम, कहां देखें चुनाव के नतीजे। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात मक्का की करेंगे। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की दाहोद मंडी में पीली मक्के का भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में इस दौरान मक्के के सौदे 2507 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उड़ीसा की नवरंगपुर मंडी में मक्के का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो इस दौरान पीली मक्का के सौदे 2280 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56,00,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का अगर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680 मीट्रिक टन से ज्यादा के मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 8,987 करोड़ रुपए है। रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बात उपज की करें तो कमी देखने को मिल रही है आंकड़ों के अनुसार, और आने वाले दिनों में अगर इसके मद्देनजर देखा जाए तो बाजार का भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? मक्का की बात करें तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ मंडियों में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले दिनों में मक्का की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में भी मक्का की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा जी। और किसान भाई जिनके पास इस समय स्टॉक पड़ा है मक्के का, यानी कि वो इंतजार करें आने वाले समय में क्या भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक
इसकी कीमतों में हल्का सा सुस्ती का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मैं अपने बाजार के जानकार यानी कि श्रीवास्तव जी का, श्रीवास्तव जी बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले दिनों में बाजरे का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? बाजरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग में हल्की नरमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय बाजरे का स्टॉक है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण बाजरा की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो बाजार के जानकार श्रीवास्तव जी की यही राय है, किसान भाइयों के पास भंडारण क्षमता है तो थोड़ा इंतजार कीजिए। बाजरे में आगे मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और किसान भाई अपनी फसल का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खीरे का बाजार भाव कैसा रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो खीरे का भाव यहाँ पर 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं कर्नाटक की मैसूर मंडी में खीरे के सौदे 900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात कर ले तो खीरे के सौदे यहाँ पर 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में खीरे का भाव 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि खीरे के भाव यहाँ पर भी खीरे की आवक और खीरे की गुणवत्ता के अनुसार ही हुए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे जीरे और ज्वार का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। देवभूमि हिमाचल से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे किसान यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो घर घर द्वार द्वार पहुंच रही है। गाय भी पाली हमने, पशुपालन करते हैं। महिलाएं खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या करती? जैसे सिलाई बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, ये सब करते हैं। यहाँ हर किस्म की फसल उगाई जाती है। अभी अभी यहाँ गेहूं की फसल काट के लोगों ने तैयार किया। लड़कियाँ पढ़ाई भी कर रही हैं, अपना खेती का काम भी कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश से देखिए किसान यात्रा पर कार्यक्रम 4 जून मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में अब बात करेंगे हम जीरे की। तो इन दिनों मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव 26,625 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहां पर जीरे के सौदे 24,250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजकोट मंडी में जीरे का भाव 25,750 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान जीरे के सौदे यहां पर 24,520 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन ज्यादा हो सकती है। बता दें कि जीरे की मसालों में अपना एक अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। चलिए रुक करेंगे एक बार फिर से बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्री श्रीवास्तव जी, हमने देखा आंकड़ों में कि इस बार जो उपज है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है, ऐसे में आने वाले समय में बाजार की स्थिति क्या देखने को मिल सकती है? जीरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए,
आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। जी, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में जीरा की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, यानी कि किसान भाइयों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए या फिर कुछ और रणनीति अपनाएं? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए कुछ दिनों बाद। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में जीरा की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की यही राय है कि जिन किसान भाइयों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है, थोड़ा इंतजार करेंगे, आने वाले समय में भाव में तेजी रहेगी और किसान भाई अपने उत्पादन का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नींबू का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत गुजरात की दिशा मंडी से करेंगे, जहां पर नींबू के सौदे यहां पर 5375 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में नींबू के सौदे 10,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहां पर नींबू का भाव 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में नींबू के सौदे 5,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि नींबू के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आलू का बाजार भाव कैसा रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहां पर आलू के सौदे 900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि पानीपत मंडी में आलू का भाव 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी की बात कर ले तो आलू के सौदे यहां पर 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में आलू का सौदे 2350 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि आलू के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे ज्वार के बारे में। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2 लाख टन से ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की चोटिला मंडी में सफेद ज्वार का भाव 3,250 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि राजकोट मंडी में पीली ज्वार के सौदे 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं बात अगर कर्नाटक की लिंगी सुगर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 4,890 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार के सौदे 4,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान करीब 3,801 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 27,40,00,000 रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, जो मौजूदा आंकड़े बाजरे के बता रहे हैं, इसके अनुसार आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ रुख करेगा? ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जी, आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में मांग में ज़्यादा मजबूती नहीं देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से भाव भी तेज़ नहीं हो पाएंगे। किसान भाई इन बात का ध्यान रखें, मंडियों का रुख करें। और हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी ने तमाम महत्वपूर्ण राय कृषि जिनसों पर आपके साथ साझा की है, उसके अनुसार ही मंडियों का रुख करें। फिलहाल शिव श्रीवास्तव जी, आपने समय निकाल कर हमारे कृषि भाइयों के लिए कृषि जिनसों पर जो महत्वपूर्ण राय आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, उस QR कोड को स्कैन करेंगे जब आप, तो सीधा DD किसान की YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करके सीधा YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे।
इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।